दिल्ली में महिलाओं का बस में ट्रैवल करना बिल्कुल फ्री है और एक लड़के ने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और आज बस में फ्री में सफर किया जाए। एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा करना इलीगल है या लीगल है, क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है या एक अपराध है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने के इरादे से ये भाई साहब महिलाओं वाले कपड़े पहनकर मास्क लगाकर महिला बनकर फ्री किराए के चक्कर में बैठ गए और तो लड़की की आवाज बनाकर बात भी करने लगे जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बस कंडक्टर भी शायद बीवी से झगड़ कर आया था, तभी तो गुस्से में अंततः बंदे ने मास्क नीचे करवाकर सारी असलियत सामने रख दी। हाँ भाई मास्क नीचे कर, इतनी देर से तू लड़की बोल रहा, नीचे न कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर, अरे मास्क हटा, बोलो ना, कान का नीचे मारूंगा खींच कर, फीत उतार दूंगा मैं, मेरा पारा गरम हो रहा बता रहा हूँ, अरे मास्क हटा नीचे ले, कान का नीचे दूंगा खींच कर, बत्ती चढ़ जाओगे, हटा और हटा सही से पहचान में तो बाल हटा हटा इसको, हटा इसको पूरा, हटा उतार दे सही से उतार, मास्क भी हटा, मास्क भी हटा, हटा सही से मास्क हटा ले, सही से हटा मास्क। सो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि ये लड़का इंटेंशनली जानकर लड़की बन के आया, सो यहाँ उस लड़के की इंटेंशन ये थी कि कंडक्टर को धोखा देके अपना भेष बदल के कंडक्टर से पिंक टिकट लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया। सो क्या ये सिर्फ एक मिस्टेक है या एक क्राइम? अब समझने वाली बात यह है कि वो लड़का ये सब करके अपना फायदा करना चाहता था और गवर्नमेंट का नुकसान, इन शॉर्ट वो कंडक्टर को धोखा देकर महिलाओं को दी गई सुविधाओं का फायदा उठाना चाहता था। सो एज पर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीटिंग है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए आपको 7 साल तक की कैद हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम से महिलाओं का सम्मान करें और उनको दी गई सुविधाओं पर धोखे से अपना हक ना जमाएं। दैट्स ऑल।